दोस्तों सबसे पहले आप लोग की जो पीक है ना ये देख लीजिएगा, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो था। उनका ब्लाउज पे ये दिक्कत हो गया था, तो सिंगल कट ब्लाउज कैसे काटिंग करना है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। इसमें जो जो दिक्कत हुआ है ना, कैसे काटिंग करने से ये दिक्कत नहीं होगा, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। जिन लोगों ने नहीं देखा जरूर देख लीजिएगा, और कॉमेंट बॉक्स पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आज मैं इस ब्लाउज का सिलाई दिखाऊंगी, और इसमें देखिए उनका दिक्कत क्या हो गया था, उनका बास्ट पैन ऊपर चढ़ गया है, तो ब्लाउज उन्होंने तैयार कर लिया। तो अब इसको कैसे ठीक करना है, तो ठीक करने के लिए क्या करना है चलिए पूरा देख लेते हैं। काटिंग करते टाइम अगर ध्यान में रखते हुए काटिंग करते हो उस टाइम पे कभी भी आपका ये दिक्कत नहीं होगा। और सिलाई पे भी आपको ध्यान देना है, काटिंग और सिलाई सिंगल कटरी ब्लाउज पे बहुत ज्यादा आपको ध्यान में देना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे क्या करना है। अभी देखिए सिलाई किया हुआ ब्लाउज पे अगर ये दिक्कत होता है, बास्टपन ऊपर चढ़ जाते हैं, उस टाइम पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो बेल्ट है ना बेल्ट को निकाल देना है। तो देखिए बेल्ट निकालने के बाद इसमें देखिए जो सिलाई है ना, आपने टक्स का सिलाई दिया, इसको थोड़ा नीचे की तरफ लेके आना है, मिनिमम 1 इंच नीचे लेके आना है। फिर इसको दोबारा से सिलाई करना है, और उनका इसमें भी लूजिंग हो गया है। अब इसको थोड़ा दबा के, अंदर दबा के इसको सिलाई देना है। सिलाई देने के बाद दोबारा से आपको ये बेल्ट जोड़ लेना है। उसके बाद देखिए अभी जो दिक्कत इसमें हो गया ना, बास्टपन ऊपर चढ़ गया, वो नहीं रहेगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलिए अभी सिलाई करूंगी, सिलाई करते टाइम बाकी जितना है ना वो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखा दूंगी। दोस्तों ये जो सिंगल कटर ब्लाउज है ना, इसमें मैं अस्तर नहीं लगाऊंगी, बिना अस्तर का ब्लाउज होगा। तो इसमें पहले देखिए जो रॉन्ग साइड है ना उस पर निशाना लगा के रखना है, दोनों साइड पे निशाना लगा के रखना है, नहीं तो सिलाई करते टाइम आपका दिक्कत हो सकता है, एक साइड का सिलाई हो जाएगा। दोनों पार्ट पे देखिए रॉन्ग साइड पे हमें इस तरह से निशाना देके रखना है, तो बहुत ही इजी होगा। अब चलिए कटोरी पार्ट सिलाई कर लेते हैं। इसको ऐसे बराबर मिलाना है, जैसे है बिल्कुल वैसे ही रखना है। तो देखिए यहाँ पे सिलाई हो गया है। अब इसमें देखिए सिलाई करते टाइम मैंने हल्का सा इसको घुमा के दिया, तो इस तरह से घुमा के देने से फिटिंग्स अच्छा होता है, नहीं तो बीच में नोच की तरह होता है। ऐसे सीधा नहीं देना है, हमेशा हल्का सा घुमा के आपको देना है। अभी देखिए पलटने के बाद इसमें शेप कितना अच्छा हुआ है, तो आपका भी ऐसे ही होगा अगर सही तरीके से आप सिलाई करते हो। अभी कॉटरी पार्ट का साइड पार्ट लेना है, इसको साइड पे रखना है, अभी यहाँ पे सिलाई करना है। देखिए सिलाई करते टाइम इसको बराबर पहले मिलाने से हल्का सा यहाँ पे छोड़ देना है, तिरछे करके इसको सिलाई करते हो नीचे की तरफ लेके आना है। तो देखिए कॉटरी का साइड पार्ट सिलाई हो गया, नीचे जो एक्स्ट्रा है ना ये हमें बाद में काटना है, अभी कटिंग नहीं करना है, पहले बेल्ट सिलाई करना है। तो बेल्ट सिलाई करने से पहले देखिए बेल्ट को इस तरह से बराबर पहले इसमें मिलाना है, मिलाने के बाद जो निशाना दिया ना इसके साथ फैब्रिक को पहले मिलाना है। अभी बैक पार्ट लेना है, बैक पार्ट को साइड पे रखना है, देखना है बैक पार्ट के हिसाब से फ्रंट का लंबाई बराबर है या नहीं। अगर बराबर नहीं होता है, अगर थोड़ा कम होता है तो हल्का नीचे की तरफ फ्रंट पार्ट को लेके आना है बेल्ट को। अगर ज्यादा होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम होने से दिक्कत होगा। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट का लंबाई बराबर होना है, या फ्रंट पार्ट का लंबाई थोड़ा ज्यादा होना है तब अच्छा होता है। अभी बेल्ट सिलाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा है ना इसको काट कर देना है। इस तरीके से दोनों साइड पे हमें बराबर मिला के सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा जो रहता है ना वो हमें काट कर देना है। अभी इसमें हुक पट्टी और आई पट्टी हमें सिलाई कर लेना है दोनों साइड पे। तो देखिए हुक पट्टी आई पट्टी सिलाई हो गया है, तो कॉटरी पार्ट यहाँ पे तैयार हो गया है। देखिए जिन लोगों ने कॉटरी ब्लाउज तैयार कर लिया और बास्ट पैन बराबर नहीं हुआ है, ऊपर चढ़ गया है, वो लोग क्या कर सकते हो देखिए। अगर तैयार आपने कर लिया फिर देखिए आपको पहले क्या करना है, बेल्ट को निकाल देना है। निकालने के बाद जो टाक सिलाई यहाँ पे मैंने किया ना, इस सिलाई को निकाल देना है। जहाँ पे पहले सिलाई था ना उससे मिनिमम 1 इंच नीचे की तरफ से तिरछा करके ये सिलाई को दोबारा देना है। जब दोबारा से 1 इंच नीचे की तरफ से आप ये टाक सिलाई करोगे ना, उस टाइम पे देखिएगा आपका जो बास्ट पॉइंट है ना ऊपर चढ़ गया था, तो देखिएगा बराबर हो जाएगा और फिटिंग भी यहाँ पे अच्छा होगा। और ये टाक्स को दबा के सिलाई करना है, सिलाई करते टाइम थोड़ा पहला जितना था ना उससे मिनिमम 3 सूत बढ़ा के देना है, तब देखिएगा कितना अच्छा यहाँ पे फिटिंग्स होगा। फिर बेल्ट सिलाई आपको दोबारा से कर देना है। तो देखिए अभी हमें बैक पार्ट लेना है, इसमें हमें बैक साइड पे टैक्स लगा लेना है। टैक्स सिलाई के बाद बैक और फ्रंट का शोल्डर जॉइन करना है। अभी कॉटरी का साइड पार्ट पर जो एक्स्ट्रा नीचे है ना ये अभी काट कर लेना है, बैक पार्ट सॉरी बेल्ट सिलाई करने के बाद। अभी शोल्डर देखिए बैक और फ्रंट का शोल्डर हमें एक साथ यहाँ पे सिलाई कर लेना है। देखिए शोल्डर सिलाई करते टाइम हमें नेक साइड पे हल्का सा डाउन करके सिलाई करना है, डीप नेक पे, नहीं तो आपका शोल्डर जरूर गिरेगा। जब डाउन करके सिलाई करते हो ना तब देखिएगा आपका शोल्डर कभी भी नहीं गिरेगा, दोनों साइड पे बराबर रखना है, एक साइड पे कम एक साइड पे ज्यादा नहीं करना है, तो ब्लाउज आपका तिरछा होगा।
अभी देखिए शोल्डर सिलाई के बाद अगर थोड़ा एक्स्ट्रा होता है ना, इसको काट के बराबर कर लेना है। अभी यहाँ पे नेक पोटी हमें सिलाई कर लेना है और स्लिप ज्वाइन कर लेना है। नेक पोटी भी यहाँ पे सिलाई हो गया है, स्लिप भी यहाँ पे ज्वाइंट हो गया है। अभी हुक पोटी और आई पोटी सिलाई करना है, सॉरी हुक और आई सिलाई करना है। नेक पे देखिए मैंने अलग से पोटी सिलाई करके इसको मशीन से मैंने सिलाई कर लिया, लेकिन आपको तुरपाई करना है। कस्टमर के लिए कभी मशीन से सिलाई नहीं करना है। और स्लीव सिलाई करने के बाद मैंने सिर्फ फिटिंग्स भी लगा लिया। और फिटिंग्स लगाते टाइम आपको क्या करना है, जितना आपका टोटल अपर चेस्ट है ना, उससे आपको टोटल हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। आर्मों पर देखिए कितना बराबर हुआ है, और कमर पे कोई भी एक्स्ट्रा आपको नहीं लेना है। देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पे शेप हो गया है, बिल्कुल डबल कटरी की तरह यहाँ पे ऊपर होकर यहाँ पे हुआ है। मैं दोबारा सबको समझाती हूँ, जब फिटिंग्स आप करते हो ना, फिटिंग्स करते टाइम जितना आपका टोटल अपर चेस्ट है उससे आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। कमर के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है, जितना आपको चाहिए उतना ही लेना है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सिंगल कटरी ब्लाउज किस तरह से सिलाई करना है। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।